नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी के वार्ड क्रमांक 10 सलामतपुरा एरिया में मौजूद हैं, जहां आपको बता दें कि आज यहां पर खुशियों का जश्न मनाया गया। खासकर इसके लिए मनाया गया कि आपको बता दें कि यहां पर पिछले 40 सालों से पीने की पानी की जो लाइन थी, उस पीने की पानी की लाइन में गंदे पानी जाने के कारण स्थानीय को काफ़ी परेशानियाँ और काफ़ी जो है बीमारियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के स्थानीय समाज सेवक जो है फरुख शेख उर्फ जिन्हें राडो के नाम से जाना जाता है, उनके प्रयास से महानगर पालिका और निधि से यहाँ पर जो है काम की शुरुआत की गई और 4 इंच के पीने की पाइपलाइन डाली गई। हम आपको पाइपलाइन दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि यही वो 4 इंच की पीने की पाइपलाइन है, जिसके कारण लगभग यहाँ पर 500 से भी अधिक परिवार को लोगों को अब जो है स्वस्थ और जो है साफ़ सुथरा पानी पीने को मिला। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा था कि यहाँ पर काफ़ी जो है गटर के गंदे पानी और शौच के गंदे पानी जो है इस पाइप जुड़े जो पाइपलाइन थी उससे जो है लोगों के घर तक जाता था, जिसके कारण बीमारियों का सामना भी करना पड़ता था। और ठीक आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है और ये गटर है, और ये गटर की यहाँ पर तकलीफ बताई गई है कि यहाँ पर पिछले 4 सालों से ये गटर की हालत जो है इसी तरह से है। यहाँ पर किसी प्रकार का ना तो महानगर पालिका ने ध्यान दिया, ना ही तो यहाँ के जो स्थानीय लोक प्रतिनिधि थे उन्होंने कभी ध्यान दिया, जिसके कारण यहाँ पर गंदगी के कारण, बदबू के कारण जो है लोगों को यहाँ पर आने जाने में काफ़ी तकलीफों का सामना उठाना पड़ता था। यहाँ पर बताया गया है कि मस्जिद भी है, नमाजियों को भी काफ़ी तकलीफों का सामना उठाना पड़ा। खासकर आपको बता दें कि रमजान का पवित्र महीने की शुरुआत भी है और जिस तरह से आप इस सड़कों पर गंदगी देख सकते हैं, ये गंदगी हम आपको दिखा रहे हैं, ये गंदगी जो है कहीं ना कहीं सड़क ना यहाँ पर दिखाते हुए एक डंपिंग, कचरे का डंपिंग बन गया है और इस गंदगी के कारण भी लोगों को तकलीफों का सामना उठाना पड़ रहा है। खासकर आपको बता दें कि आज यहाँ के स्थानिकों ने स्वागत सत्कार का कार्यक्रम रखा था और उसी सत्कार के कार्यक्रम में हम यहाँ पर पहुँचे थे, जहाँ पर फरुख शेख जिन्हें राडो के नाम से जाना जाता है, जो कि सोशल एक्टिविटी में हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर पीने के पानी की समस्या खत्म की गई। इस तरह के स्थानिकों ने जानकारी दी, फूलों की बरसात किया गया, आतिशबाजी की गई और आपको बता दें कि गुलदस्ता देकर फरुख शेख का उर्फ राडो का स्वागत सम्मान किया गया, क्योंकि उन्होंने पानी की तकलीफें यहाँ पर दूर की। स्थानिकों ने क्या कहा, ये सुनते हैं। कोशिश बात की बना रहे कि यहाँ पानी की ज़बरदस्त तकलीफ थी, फरुख भाई ने पूरी मेहनत की, इनकी मेहनत से ये नई पाइपलाइन डाली गई है, जिसके हिसाब से हम लोग यहाँ खुशी मना रहे हैं। क्या तकलीफें क्या थी पानी की? पानी कोई टाइम से आता नहीं था, वैसे भी उतार तरफ ये लाइन जो है ना पूरी अंदर से पूरी चलते ख़राब थी, पूरी सब जगह लीकेज थी, इसलिए पूरा का पूरा जो है नया ऊपर से डालें। ये तकलीफ है, मैं समझता हूँ, मैं यहाँ से 9 साल से हूँ, 9 साल से तकलीफ थी। गंदा पानी आ रहा था? हाँ, गंदा पानी, पूरा गटर का पानी कभी रस के आ रहा था। कैसे लोग रहते हैं इनका दिल जानता है, ये इनकी मेहरबानी है कि इतना हो गया, पूरा मोहल्ला इनका शुक्र गुजार है, अब मैं भी गुजार। गंदा आ रहा था और पानी की वजह से जो है बहुत तकलीफ थी, गंदा पानी था, इसके लिए जो हमारे फरुख भाई हैं वो बहुत अच्छा काम किए हैं पानी का, और बहुत तकलीफ थी पानी को लेकर, अभी वो तकलीफ दूर हो गई। वो पानी बहुत गंदा मिल रहा था, फारूक भाई की वजह से हमें पानी की बहुत अच्छी सहूलत मिल गई है, जिसकी वजह से मैं फारूक भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लगातार गटर का पानी आ रहा था, मोहल्ले के लोग हैरान परेशान थे, फारूक भाई के पास हम मोहल्ले वाले गए तो इनकी मेहनत से ये नई पाइपलाइन डाली गई और आज से ये फ्रेश पानी इंशाल्लाह पियेंगे। हमारा पूरा 10 रमजान भी ख़राब हो गया और पिछले 2 साल से हम लोग बाहर से पानी ला ला के पी रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था, और अब लोग फ़ोटो खिंचाने बहुत लोग आएंगे, लेकिन ये पूरा काम हमारे फरुख भाई ने किया है, हम लोग साथ दिए और फरुख भाई ने ये पूरे, हमारा नेता सिर्फ फरुख भाई है। आने वाले दिनों में मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि अपना कीमती वोट सिर्फ और सिर्फ फरुख राडो को दें और किसी को ना दें। पानी यहाँ मैं नए गाँव सलामतपुरा से बोल रही हूँ, यहाँ पर पानी कई सालों से बहुत गंदा आ रहा है, अभी फरुख भाई की वजह से हमें पानी की बहुत अच्छी सहूलत मिली है, हम लोग उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। फरुख भाई ने इतनी मेहनत की है भाई ने, उनका बहुत शुक्रगुजार है, यहाँ मोहल्ले के लोग बहुत खुश है, और सीधा टॉयलेट का पानी आ रहा था, इतना परेशान थे हम लोग, इतना परेशान थे कि फरुख भाई के पास के ये काम ना एक हफ्ते के अंदर इमरजेंसी काम कराए, ये इमरजेंसी काम था, उसी तरह इंशाल्लाह करा भी दिए फटाफट, और अभी तक काम चालू, आगे तक और लेन जाएगी, सबको पानी अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह के जरिए। हम लोग सबके पास गए, सबके पास सुनवाई किए नहीं, हर आदमी के पास गए, लोग खाली
आ रहे थे जा रहे थे लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया, लेकिन फर्रुख भाई एक हफ्ते के अंदर लाइन सब कर दिए, सब हो गया, सबके घर में अल्हम्दुलिल्लाह पानी है। नहीं, यहाँ के जो जो नगर सेवक थे वहाँ हम लोग गए तो वहाँ पे मसला हल नहीं नजर आया अपने को। हाँ, लेटर वेटर क्या है सब किया गया, लेकिन अपने को यहाँ नजर आया कि फर्रुख भाई को बोले, फर्रुख भाई को बोला जब गया तो वो ले लिए दिल पे, जब दिल पे ले लिए सबका अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। बोला ये 10 नंबर वार्ड में आता है सलामतपुरा, चार चार नगर सेवक रहे, ये वार्ड को यतीम छोड़ के रखे हैं, गटर का पानी गटर की स्लेब के ऊपर से बह रहा है, किसी को फिक्र नहीं। सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा था पानी का, हम लोग फर्रुख भाई के पास गए, वो मसला हल हो गया है। यहाँ पर डायरेक्ट गटर का पानी और टॉयलेट का पानी आ रहा था, लेकिन हम लोग कई लोगों के पास गए, काम नहीं हुआ। फर्रुख भाई के पास गए, एक हफ्ते के अंदर काम हुआ और बिल्कुल साफ पानी आ रहा है। पूरी लाइन यहाँ से लेके सागर प्लाजा तक का, बीच में कुछ लोगों साफ था, बाकी सबको गंदा पानी आता था। ये पुरानी 7-8 साल पुरानी मतलब कहानी है। यहाँ का पानी की बहुत तकलीफ थी, बहुत गंदा। भाई नए गाँव सलामतपुरे से बोल रही हूँ, पानी की बहुत तकलीफ थी, बहुत गंदा पानी आ रहा था, लेकिन अभी जो है फर्रुख भाई की वजह से पानी अच्छा आने लगा है। और बहुत सालों से तकलीफ थी पानी की, लेकिन अभी पानी बहुत अच्छा आ रहा है। हमने देखा कि यहाँ के खानों के मुख पर फर्रुख भाई जिंदाबाद के नारे थे, और ये लोगों की मोहब्बत है संदीप भाई। फूलों की गुलदस्ता लेकर आपका स्वागत किया गया, क्या मामला है पूरा बताइए। दरअसल कैसा है कि बहुत दिनों से यहाँ पे ये जो लाइन थी पुरानी ना, 30-40 साल पुरानी लाइन थी, और ये समस्या 2-3 सालों से थी पानी का। तो नगर पालिका से भी लोगों ने बोलते कि आज जो स्थानीय लोग चुन के आए थे उनके भी, उनको भी लोगों ने बोला, लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा था। तो आचार संहिता से पहले लोगों ने बोला, तो मैंने पानी पुरावा को, कमिश्नर को और पटनावर साहब से सारे लोगों से मुलाकात की गई कि रमज़ान का पाक महीना है और पानी इतना गंदा आ रहा था, इतना गंदा आ रहा था कि पूरा गटर का पानी उसके अंदर जा रहा था। अब आप सोच लो कि 40 साल पुरानी लाइन बीच बीच में फट गई थी और पूरा गटर का पानी वो लाइन के अंदर जा रहा था। तो नगर पालिका ने और हमारे आमदार रईस शेख साहब ने और मोहल्ले के लोगों, मैं तो सबसे बड़ी बात तो ये बोलूँगा कि ये काम शायद मैं भी नहीं कर पाता अगर मोहल्ले के लोगों ने मुझे साथ नहीं दिया होता। यहाँ के एक एक बच्चे, एक एक औरतें, सारे लोग आज संदीप भाई पिछले 4 दिनों से दिन और रात मिल मिल के जो काम 10 दिन में होने वाला था मोहल्ले के लोगों की मेहनत से, आज ये काम जो है 3 दिन में पूरा कंप्लीट हुआ है।